हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से बहुत ही अच्छी अच्छी किचन टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके डेली काम बहुत आसान कर देने वाले हैं और आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, सच बता रही हूँ। और सबसे मेन टिप्स है बिना हाथ लगाए आटा लगाना। मतलब बिना हाथ तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि फटाफट से आटा लगाना, तो कैसे लगाएं, तो बस वही शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से बहुत ज़्यादा अच्छी किचन टिप्स लेकर आई हूँ। तो पहली किचन टिप्स है हमारे इन चने को लेके। चने होते हैं या कोई भी दाल होती है, वो बहुत जल्दी उसमें कीड़े लग जाते हैं ज़्यादा समय तक अगर हम उसको रखते हैं अपने घर पे स्टोर करके। तो देख लीजिए, इसमें से कुछ खराब सा भी हो रहा है। देखो ये नीचे देखो, लग रहा है ना धूल धूल, तो खराब सी भी हो रही है। तो इसके लिए, इसको बहुत समय के लिए चले तो उसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ये देखो यह यूज़ करेंगे हम तेज़पत्ता। तेज़पत्ता हम इसमें डाल देंगे ना, तो इसके स्मेल से बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगने वाले। इस तरीके से कितना भी, अगर ये तो मेरे पास थोड़ी थी इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ी से मैं दिखा रही हूँ, अगर ज़्यादा होता तो मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखाती। तो ये देख लीजिए, इसको इस तरीके से ढक के, अगर कोई डिब्बे में है तो डिब्बे में इस तरीके से इसको बंद कर देंगे और इसको रख देंगे, तो बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे आपके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। दूसरा टिप्स है हमारा ये देखो साबुन के खोके को लेकर और ये मोजे को लेकर। क्या होता है कि मोजे कभी कभी खो जाते हैं, कहीं ये कहीं पड़ा होता है तो ये कहीं पड़ा होता है तो हम लोगों को नहीं मिलता है। तो इसको मैं बताती हूँ कि आप लोग किस तरीके से रखना है। तो ये देख लीजिए, मोजे को इस तरीके से हम लेंगे दोनों को और इस तरीके से इसको लिपेटते लिपेटते जाएंगे इस तरीके से। ये देख लीजिए, और ये है साबुन का खोका, तो इसके अंदर हम इसको रखेंगे। ये देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से हम इसमें रख देंगे। तो इससे दो बातें होंगी, एक तो मोजे दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे और दूसरा ये कि साबुन की जो स्मेल खुशबू होती है ना, वो मोजों में भी आ जाएगी। तो मोजों में जो स्मेल आती है ना गंदी, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप लोग बताना कि आपको कैसी लगी हमारी टिप्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारी बर्नर को लेके। तो ये देख लीजिए, बर्नर इस तरीके से खराब हो जाता है तो ये साइड में से गैस निकलती है, तो इस ना निकले तो इसके लिए हमको क्या करना है वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कि हम लोगों को क्या करना है। तो ये साइड से यहाँ से दिखाती हूँ, ये साइड से यहाँ से घिस जाती है इसलिए यहाँ पे निकलती है। तो इसमें हम यूज करेंगे इसका, ये हम लेंगे इस तरीके से। मेरे हाथ पूले काले हो गए देखो। तो ये मंजन कौन सा भी आपके पास टूथपेस्ट हो उसको इस तरीके से लगा देना है चारों साइड। ऐसा ले लेती हूँ, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब इसको मैं बंद करती हूँ। और अब लीजिए, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही है। तो ये तो लॉ इसलिए आ रही है, देखो ये बाहर थोड़ा थोड़ा ही निकल रहा है, पहले बहुत ज्यादा निकल रही थी। ये देख लीजिए। तो फ्रेंड अब आती हूँ मेरी मेन जो टिप्स है उसको लेके। आटा कहते हैं ना, बहुत सारी मैंने वीडियो देखी कि इसमें आटा लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ क्या सच में आटा लग जाता है क्या इसमें सच में आटा। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने लिया है, इसमें मैं मसाला पीसती हूँ और ये ब्लेंडर की जो एक कटोरी है वो है, मतलब जार बोल लो कुछ भी बोल लो। तो इसमें मैंने आटा ले लिया और उसके बाद इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही आटा ले लिया था। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी इस तरीके से और इसको करेंगे बंद और जो ब्लेंडर है उसका यूज़ करेंगे। देखते हैं किस तरीके से आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने लिया ब्लेंडर और ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करते हुए आटा लगाना है हमको। तो ये देख लीजिए, पहले तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमको, तो मैंने थोड़ा ही पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से चलाना है। तो रुक जा रही थी ये चलाते चलाते, क्योंकि आटा जैसे थिक हो जाता था उसी टाइम ये रुक जाती थी। तो ये देख लीजिए, फिर से थोड़ी घूमेगी फिर से रुक जाएगी। तो ये देख लीजिए, इसको इस तरीके से करते रहना है दो तीन बार में, आपका आटा लग के रेडी होने वाला। देखती हूँ फिर बताऊँगी आप लोगों को सच्ची बात क्या है, लगता है आटा क्या नहीं लगता है।
कैसे लगभग लगभग लग ही गया है। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को खोल के। तो 3 से 4 बार मैंने ऐसे किया तो आटा ऐसे लग के रेडी हुआ है। सोच रहे सब लोग बोल रहे थे भाई आटा गूंथ के रेडी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हाथों से ही गूंथना पड़ा इसको। तो ये देख लीजिए ऐसा हो गया था। पानी थोड़ी बहुत किसी भी चीज़ में पानी ऐड करेंगे तो ऐसा तो हो ही जाएगा। तो ये देख लीजिए कैसे, इससे अच्छा तो हम आटा अपने हाथों से ही गूंथ लें। इतने बर्तन ख़राब करो फिर भी अपने हाथ बिगाड़ने पड़े तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैंने एक वीडियो देखा था बिना हाथ लगाए आटा गूंदो, तो भाई मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ क्या सच में बिना हाथ लगाए आटा गूंथ सकता है। तो नहीं गूंथ सकता यार, आप लोग भी देख लो है ना। इसी तरीके से मुझे थोड़ा सा और आटा लगाना था, इसमें तो 4 रोटियाँ भी नहीं बनेंगी सही से, तो मैं थोड़ा सा आटा और लगा लेती हूँ। ये देख लीजिए मैंने, मुझे इतना आटा लगाना पड़ा फिर भी मैंने हाथों से ही लगाया सारा आटा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कहते हैं कि उल्लू बनाने वाली बात है, बस वही है। तो ये ट्रिप्स फैल है, तो बस मैं भी यही बना दिखाने के लिए आप लोगों को ये वाली टिप्स मैंने बताई है, वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फैमिली दोस्तों के साथ। और ऐसी टिप्स देखनी है ना आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। फ्रेंड मेरा एक और भी चैनल है MP ब्लॉगर सुमन करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसमें ब्लॉग डेली लाइव शेयर करती हूँ, उसको भी सपोर्ट करिएगा फ्रेंड।